the ideal concept. हेलो बच्चों, सॉरी ये जो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये कट गया था नेट, इसके वजह से नहीं हो पाया पूरा वीडियो। उसी के आगे ये बड़ा चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि रूट तीन सिद्ध करना है कि रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है इसमें, और अपरिमेय क्या होता है, परिमेय क्या होता है, ये कल बता दिए थे कि अपरिमेय परिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इस संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या होता है, जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या है। तो यही इसमें सिद्ध करना है कि रूट तीन अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो आपको पता है कि रूट तीन, रूट दो, रूट पाँच ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो सिद्ध करना है कि रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे कोई भी नंबर है, टू रहे, थ्री या फाइव, तो इसको इसी तरीका से सिद्ध किया जाता है। तो देखिए, माना कि पहले इसमें मान लेते हैं ये एक परिमेय संख्या है। क्यों मानना है, क्योंकि अगर इसको परिमेय संख्या अगर मान लेते हैं तो परिमेय संख्या होने का जो भी कंडीशन है, परिमेय संख्या होने का क्या कंडीशन है, तो इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन अगर को अगर सेटिस्फाइड करता है तब तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है तब ये अपरिमेय संख्या होगा। तो पहले इसको मान लेते हैं ये परिमेय संख्या है, और उसके बाद परिमेय संख्या होने का जो भी कंडीशन है वो यहाँ लगा देना है। तो माना कि रूट तीन एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसे p by q के रूप में, तो इसे p by q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए, और ये एक बात और भी ध्यान रखना है कि p by q के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन q क्या होना चाहिए, q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी q जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, पिछले क्लास में बताया था हमने कि कोई भी संख्या को अगर जीरो से डिवाइड करते हैं क्या हो जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। क्यों, क्योंकि कोई भी संख्या को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये अनंत हो जाता है, इंडेफिनिट हो जाता है, नॉट डिफाइन। इसलिए क्यू यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। इस ब्रैकेट में ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि इज नॉट इक्वल जीरो, यानी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है, के रूप में लिख सकते हैं। एक बात और भी ध्यान रखना है, ये दोनों संख्या p और q, p और q में कोई भी कॉमन गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, लिख सकते हैं तथा दोनों में कोई उभयनिष्ठ, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, नहीं हो। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, कॉमन फैक्टर क्या होता है, जैसे p और q को दो नंबर है, जैसे अगर मान लेते हैं 6 और 1 4 दो नंबर है, इसमें क्या कॉमन है दोनों में, इसमें कॉमन क्या है, देखिए 2 3, और ये कितना है, 2 × 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, 2 क्या है कॉमन हो गया, दोनों के लिए 2 कॉमन हो गया। अगर दोनों में से अगर 2 निकाल देते हैं बाहर कॉमन, तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो 2 क्या है इसके लिए, ये वाला कॉमन हो गया दोनों के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर ये संख्या को बोलते हैं 2 और 3, इसमें कोई कॉमन है क्या, कोई भी संख्या इसमें कॉमन नहीं है, ये को छोड़कर इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। जैसे 5 और 6 ले लेते हैं, इसमें भी कोई कॉमन नहीं है। अगर इसमें 8 और 10 ले लेते हैं, इसमें कॉमन है, 4 और 5 हो जाएगा अगर 2 इसको बाहर निकालते हैं, तो इस तरह से कॉमन नहीं होना चाहिए। समझ गया, कॉमन फैक्टर नहीं है।
तब इसको क्या कर सकते हैं, रूट तीन को पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर मान लिया है कि ये परिमेय संख्या है, इसलिए इसको ये परिमेय मान लिया है, इसलिए इसको पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जब अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिएगा, दोनों साइड वर्क कर दीजिएगा, तब क्या होगा, दोनों तरफ वर्क करने पर बोथ साइड क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो रूट तीन का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पी बाय क्यू का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यानी तीन हो गया ये, और ये कितना हो जाएगा पी और यहाँ क्यू का स्क्वायर। इसको ये भी लिख सकते हैं पी का स्क्वायर, क्यू कितना बार है, दो बार, क्यू इंटू क्यू, क्यू नीचे है डिवाइड में, इसको अगर इधर लाएंगे तो किस में आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा, थ्री क्यू इंटू पी स्क्वायर बाय क्यू। तो इसको इधर लिखते हैं, इसको इधर लाएंगे कितना हो गया, थ्री क्यू बराबर पी स्क्वायर बाय क्यू। अब यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है, ये एक पूर्णांक हो गया और ये क्या है, भिन्न के रूप में, ये क्या है, इंटीजर हो गया और ये फ्रैक्शन हो गया, इसको और ये दोनों कभी बराबर नहीं होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं पूर्णांक बराबर भिन्न, फ्रैक्शन और ये इंटीजर है, जो कि क्या है, संभव नहीं है। यहाँ पर क्या आ रहा है, पूर्णांक बराबर भिन्न जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, इसलिए क्या होगा, रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक नहीं आएगा, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से ये वाला सिद्ध होता है। आगे भी इस टाइप का क्वेश्चन है, हम सब सिद्ध कीजिएगा, सेम है, कुछ नहीं है इसमें, बस चेंज करना है नंबर को, रूट तीन है, रूट पाँच होगा, रूट सात होगा, इस तरह से सिद्ध करना है। और अगर अगला क्वेश्चन जिस तरह से अगर ये आता है दो या ये, तो ये भी अपरिमेय संख्या है, इसको कैसे सिद्ध करना है, इसको स्क्वायर नहीं करना है, बस उस पार अगर कर दीजिएगा तो डायरेक्ट यहाँ पर पता चल जाएगा कि इधर तो परिमेय हो रहा है, उधर अपरिमेय हो रहा है, और कभी भी परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं होगा, तो उस तरह से ये सिद्ध हो जाएगा। तो देखिएगा ट्राई करके, आगे अगर नहीं बनता है तो कमेंट कीजिएगा, उस पर भी वीडियो बना दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ये बता समझ गए होंगे। अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है 1.4 का क्वेश्चन, कि कोई भी संख्या शांत और अशांत कैसे होता है। देखिए, अगर कोई संख्या p by q के रूप में है, अगर कोई संख्या p by q के रूप में है, ठीक, अगर q q का अगर फैक्टर करते हैं तो 2 और इंटू 5 के टर्म में आता है, 2 पे कुछ भी पावर हो सकता है m और 5 पे कुछ भी पावर n हो सकता है, तब इस फॉर्म में आता है, तब तो इसको क्या बोलेंगे, तब इसको क्या बोल सकते हैं, शांत, शांत आवर्ती। अगर सिर्फ 2 आता है, अगर नीचे क्यू के जगह पे यहाँ पर सिर्फ अगर 2 आता है, 2 पे पावर m, फिर भी इसको क्या मानेंगे, शांत मानेंगे। अगर सिर्फ 5 पे पावर n आता है, फिर भी इसको क्या मानना है, शांत आवर्ती। अगर दोनों आ गया, 2 और 5 अगर दोनों आ जाता है, इस तरह से दोनों अगर आ जाएगा, फिर भी ये क्या होगा, शांत आवृत्ति होगा। लेकिन अगर इसके अलावा 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी संख्या आ जाता है, जैसे 2 के पावर m, 5 के पावर n और एक और कोई भी संख्या आ जाता है, 3 पे पावर कुछ या 3 पे पावर 1 कुछ भी, तो ये क्या होगा, ये शांत नहीं होगा, ये अशांत हो जाएगा, ये शांत नहीं होगा, यानी अशांत आवृत्ति होगा। क्यों होगा ऐसा, तो देखिए कोई भी इसमें अगर गुणा करते हैं इस तरह से, क्या हो जाएगा, 10 हो जाता है, 10 होगा, आराम से डिवाइड हो सकता है,
जब भी डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा, जब पूरा डिवाइड हो जाएगा तब उसी को क्या बोलते हैं सान। जैसे अगर मान लेते हैं कोई भी संख्या में अगर डिवाइड कर लीजिए, आठ में कोई संख्या से डिवाइड कर लीजिए, ये कुछ मान लीजिए 125 इस तरह से, ये तो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद जो भी संख्या पॉइंट में ही आएगा, लेकिन ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये आते ही नहीं रहेगा, इसलिए क्या हो जाएगा शांत आ जाएगा। लेकिन इस तरह से पूरा अगर डिवाइड नहीं हो रहा है, आ ही रहा है वो संख्या, तब क्या होगा अशांत होगा। अब देखिए क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन से अच्छा समझ पाइएगा, सिर्फ कंडीशन क्या याद रखना है कि डिनोमिनेटर 2 और 5 के रूप में होना चाहिए शांत होने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है 8 बट्टा कुछ भी ले लेते हैं 25 या 125 यही ले लेते हैं, 8 बट्टा 25 ले लिए। तो ये शांत है कि अशांत है ये दर्शाना है बिना डिवाइड किए। अगर डिवाइड कीजिएगा तो पॉइंट में कुछ आएगा, जैसे 8 में अगर डिवाइड करते हैं 125, तो इस तरह से डिवाइड कीजिएगा ऐसे ऐसे करके डिवाइड, तो जो भी यहाँ पे आएगा आंसर, तो यहाँ पे पूरा पूरा कट जाएगा, यानी ये रुक जाएगा, ये शांत है। तो यही सिद्ध करना है बिना डिवाइड किए हुए, बिना डिवाइड किए हुए इसको सिद्ध करना है। तो देखिए क्या बताए हैं, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर दीजिए, यानी गुणनखंड कर दीजिए, 125 को गुणनखंड करेंगे कितना से होगा 5 से 5 गुना 10 5 25, फिर 5 से 5, यानी 3 बार 5 आया है। इसको तो ये लिख सकते हैं ना, 8 और कितना 2 कितना बार आया है इसमें, एक भी बार नहीं आया है, यानी 2 को कह सकते हैं 2 में पावर 0, 2 एक भी बार नहीं है, यानी 2 पे पावर 0 हो गया, एक को बार नहीं है, यानी कोई भी संख्या पर आप पढ़े होंगे एक क्लास में, कोई भी संख्या पर अगर पावर 0 होता है तब उसका मान कितना होता है 1 होता है। कोई भी संख्या पर 0 पावर का मान कितना होता है 1 होता है। यहाँ पे अगर 2 पर पावर 0 रख दिया इसका मान कितना हो जाएगा 1, अगर 5 पे पावर 0 होता है फिर भी 1, कोई भी संख्या आप लीजिए उस पर अगर 0 पावर होता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर 2 पे पावर 0 दे देते हैं, इसका मान अपने आप 1 हो गया, और 1 से कोई भी संख्या में अगर गुना करते हैं तो उतना ही होगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। और यहाँ पर कितना आया है, कितना बार 5 है 3 बार, तो 5 पावर 3। अभी जो जिस फॉर्म में लिखे हैं, क्या ये दोनों बदलाव हो रहा है इसमें, कुछ बदलाव नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए कितना है 2 पे पावर 0 है, इसका मान कितना बताया अभी 1, और ये 5 पे पावर 3 है, 5 पे पावर 3 का मान कितना होता है 125, गुना कीजिए 1 को 125 से गुना कीजिएगा तो 125 होता है, सेम यहाँ 125 था, कोई परिवर्तन इसमें नहीं हुआ है, बस ये अलग तरीका से लिखा गया है। तो अभी क्या बताएं कि अगर डिनोमिनेटर यानी हर, नीचे वाला को हर बोलते हैं, क्यू का मान अगर 2 पे पावर n और 5 पे पावर n के रूप में अगर होता है तब इसको क्या बोल सकते हैं शांत आवृत्ति हो सकता है। इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, चूँकि इसको साइड में रब कर लीजिएगा, साइड में रब करके बनाइए, तो इसको लिख सकते हैं चूँकि P by Q, जहाँ Q बराबर कितना है 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप में है, इसलिए 8 बट्टा 125 क्या है शांत आवर्ती है। किस तरह से शांत होता है, क्योंकि 2 और 5 के फॉर्म में आ गया है। एक और क्वेश्चन बनाते हैं फिर और क्लियर हो जाएगा। शांत होने का कंडीशन पहले याद कर लीजिए अच्छा से, नीचे या तो डिनोमिनेटर में नीचे ऊपर पी रहेगा और ये मतलब उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। शांत होने का कंडीशन पहले याद कर लीजिए कि शांत किस कंडीशन में होगा, पी और क्यू, क्यू का ऊपर कोई भी संख्या रहे चलेगा, ऊपर से कोई मतलब नहीं है, ऊपर कोई भी संख्या है, नीचे वाला पर ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर यानी हर यानी क्यू का मान या तो 2 के टर्म में हो या तो 5 के टर्म में हो, इस पर कोई भी पावर है चलेगा, 10 15 कुछ भी पावर, m पर भी कोई भी पावर चलेगा, या तो अकेले 2 है फिर भी चल सकता है, क्यू का मान अगर 2 है फिर भी चल सकता है 2 पर पावर है, अगर क्यू का मान सिर्फ 5 है फिर भी चल सकता है, फिर भी ये शांत हो सकता है,
क्यू का मान अगर दोनों है 2 पे पावर m और 2 पे पावर 5 पे पावर n, फिर भी ये शांत होगा। लेकिन इसके अलावा ये फिर भी ये शांत है, तीनों शांत है। लेकिन अगर q का मान 2 है 5 भी है, इसके अलावा कोई भी संख्या आ गया, 7 आ गया या 3 आ गया, इसके अलावा कोई भी संख्या अगर आ जाता है तब क्या होगा, वो शांत अशांत हो जाएगा, यानी शांत ये नहीं है। या सिर्फ 5 ही है और 1 7 आ गया, 2 नहीं आया है फिर भी अशांत, या सिर्फ 2 आया है और 7 आया है फिर भी अशांत, या 5 और 2 दोनों है, इसके अलावा अगर कोई भी संख्या आ गया, 3 हो गया, 5 नहीं आया, 5 इसी में जुड़ जाएगा, 7 हो गया, तो कोई भी संख्या अगर इसमें आता है तब ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। अगला एक और क्वेश्चन बना लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे एक क्वेश्चन दे देते हैं 17/8, इसमें क्या है, 17/8, 8 ऊपर से कोई मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर से मतलब है, डिनोमिनेटर कितना है 8, इसको फैक्टराइज कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए, 2 से होगा 4, 2 से होगा 2। इसमें देखिए 5 एक बार भी नहीं आया है, यानी 2 ही सिर्फ इसमें आया है, इसको लिख सकते हैं 17/2 कितना है 2 3 बार आया है, और 5 कितना बार आया है इसमें, 1 बार भी नहीं है 5, तो 5 पर पावर 0, 5 पर पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, कोई भी संख्या पर पावर 0 1 होगा, ये 2 और 5 के टर्म में आ गया, इसलिए इसको क्या कर सकते हैं, शांत, क्योंकि q का मान PQ में q क्या है 2 पावर m 5 पावर n के रूप में है, इसलिए 17/8 क्या होगा, शांत। इस तरह से और भी क्वेश्चन है, वो सब बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, सब आसान है, बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।